आज डिस्कस करने जा रहे हैं जाम इस्लामिया ऑनर्स इंग्लिश का 2019 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले हम जो है जाम इस्लामिया का बी ऑनर्स इंग्लिश का 2016, 2017 और 2018 के क्वेश्चन आंसर भी जो है डिस्कस कर चुके हैं तो जिसको 2016, 17 और 18 की वीडियो देखनी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं या आप चैनल की जो है प्ले में जाकर भी देख सकते हैं बी ऑनर्स इंग्लिश में ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर वन से करना सेट सी है मेरे पास जो है पार्ट ए तो हम स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन बिलो याद रखना है तो करते हैं, से. A, तो का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी अग ए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाईक्यू इज अ तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड का वो है सी अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ सेवनटीन सिलेबल ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन नंबर थर्ड अ फेबल इज अ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए अट स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर क्वेश्चन नंबर फोर दी नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन वॉज टू तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह है डी क्वेश्चन नंबर फाइव रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी नाइनटीन थर्टीन क्वेश्चन नंबर सिक्स अटेबल बॉय इज रिटर्न बाय तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी विक्रम सेठ क्वेश्चन नंबर सेवन मालगुड़ी डेज इज रिटर्न बाय तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी आर के नारायण क्वेश्चन नंबर एट दी अनटचेबल इज रिटर्न बाय तो क्वेश्चन नंबर एट का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी मुल्क राज आनंद क्वेश्चन नंबर नाइन मिड नाइट चिल्ड्रन इज रिटर्न बाय तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी सलमान रशीद क्वेश्चन नंबर टेन ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटर्न बाय तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए खुशवंत सिंह क्वेश्चन नंबर इलेवन आइस कैंडी मैन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह ए बपसी नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रनर इज रिटन नंबर ट्वेल्व का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी खालिद हसनी क्वेश्चन नंबर थर्टीन डी कॉलोनाइजिंग माइंड इज रिटन बाय थर्टीन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लाइफ ऑफ by रिटर्न क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी मार्टिल क्वेश्चन नंबर तो 15 का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी वेद व्यास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन Odyssey आर रिटर्न बाय सिक्सटीन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन रुबैत इज रिटर्न बाय सेवनटीन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी अमर खयम क्वेश्चन नंबर एटीन क्राई द बिलव कंट्री इज रिटर्न बायीन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लिहाफ इज रिटर्न बाय नाइनटीन का जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह है बी इसमत चुकते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द्रौपदी इज रिटर्न बाय ट्वेंटी का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी महाश्वेता देवी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इज रिटर्न बाय ट्वेंटी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी वी एस नैप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लेडी चैटरली लवर इज रिटर्न बाय ट्वेंटी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी डी एच लॉरेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैरी एन इवानस वॉज अ नॉवलिस्ट बेटर नॉन बाय हर पेन नेम ट्वेंटी थ्री का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी जॉर्ज एलियट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दस्ट वोवेलिस्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंडी फोर का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी एफराबेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बैलेट इज तो ट्वेंटी फाइव का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए अ शॉर्ट पॉइम और सॉन्ग दैट इज ह्यूमरस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एन एपिक ज तो ट्वेंटी सिक्स का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह ए अलॉन्ग पॉइंट विथ हिराइक कैरेक्टर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दिल माई फेयर लेडी इज बेस्ड ऑन दी बी शॉ प्ले तो ट्वेंटी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह है बी पिग मेलियन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ दीस विच वन ऑफ दिस क्रिएटर इन जेके रॉलिंग नॉवेल इज नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल माइथोलॉजी तो ट्वेंटी एट का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वह है बी Question number 29. In which Hardy novel does a girl fail to get married because she goes to the wrong church? So, 29 ka isme hamara correct answer a. Far from the madding crowd. Question number 30. In which Coleridge poem is a ship condemned of wandering endlessly on the sea after a sailor kills a large bird? So, question number 30 ka isme hamara correct answer hai wo hai, sea. The Rime of the ancient. क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन विच कैफ का स्टोरी डज अ मैन वेकअप टू फाइंड अ हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म इन टू अ गैंट इंसेक्ट तो थर्टी वन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन विच डिकेंस नॉवेल डज अ चाइल्ड गेट पनिश बिकॉज ही आस्क फॉर मोर फूड तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी ओलाइवर ट्विस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री

क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स लेटर इज रिटर्न बाय थर्टी सिक्स का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इज सीटन बाय थर्टी सेवन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए मार्क ट्वेन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच डिक्स नॉवेल बिगिन वर्ड इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम तो थर्टी एट का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी अ टेल ऑफ टू सिटीज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच मॉडर्न नॉवेल एंड्स विद दी वर्ड्स फ्रेंकली माई डियर आई डोंट गिव अ डैम तो थर्टी नाइन का जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी गॉन विद क्वेश्चन नंबर फोर्टी द फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम वॉज डिलीवर्ड बाय इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी मार्टिन लूथर किंग ठीक है ये था हमारा जो है जाम इस्लामिया का बी ऑनर्स इंग्लिश का टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन आंसर ठीक है थैंक यू